अगर मुझे वैल्यूज पहले से ही पता हो तो इनिशियलाइज बहुत सिंपल है, आप पाइथन में एरे का नाम लिखो, इक्वल टू लिखो और स्क्वायर ब्रैकेट लिखकर आपको जो भी वैल्यू लिखनी है वो आपकी एलोकेट हो जाएंगी, है ना, ये एरे को एलोकेट हो गई, ये आपकी जो वैल्यूज हैं एर जो 1 2 3 4 5 जो आपने इनिशियलाइज की, तो फर्स्ट वैल्यू जो हुई है एर जीरो को एलोकेट हुई, अगली वैल्यू एर वन को, अगली वैल्यू एर टू को, ऐसे करके अलग अलग इंडेक्स लोकेशन को एलोकेट हो गई। इसके जरिए मैं आपको यह बताना चाहता था कि जीरोथ इंडेक्स लोकेशन पर फर्स्ट एलिमेंट है, तो जब मैं इस लाइन पर प्रिंट करूंगा फर्स्ट वैल्यू इज वन ही प्रिंट होगा, ठीक है। यहां पर ये तो आप समझ गया ना कि ये वैल्यू जो इनिशियलाइज करने के लिए दी है 1 2 3 4 5, इसके बाद आप कुछ भी ले सकते थे 89 72 54। हाँ ये बात जरूर है कि जो पहली वैल्यू जो आप लिखोगे वो एर जीरो में जाएगी, दूसरी वैल्यू आप जो भी लिखोगे वो एर वन में जाएगी, तीसरी वैल्यू एर टू में जाएगी एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो इस लाइन के जरिए मैं आपको फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करा दूंगा, यानी वन प्रिंट हो जाएगा। लास्ट वैल्यू प्रिंट करने के तरीके देखो, आप तीन तरीके बता रहा हूं, देखो गौर से। एर लेन आर, देखो मैं फिर से बोलूं, लेन लेंथ निकालता है, आपके एर की है पांच एलिमेंट, ठीक है। अगर आप एर फाइव लिखोगे आपको एरर देगा, एरे आउट ऑफ बाउंड्स इंडेक्स लोकेशन। एरे आउट ऑफ बाउंड्स क्यों भाई, जब आप एरे आपका पांच एलिमेंट्स का है तो इंडेक्स लोकेशन तो चार पैकेट हो जाएगी ना, जीरो से काउंटिंग होती है ना शू। तो अब जब आप लेन अगर आप एर लिखोगे तो एरर देगा, लेन एर माइनस वन, यानी पांच में से एक घटाओ यानी चार, और एर चार पे कौन सी है, लास्ट वैल्यू है, देख रहे हैं आप, एर फोर पे तो है ही और लास्ट वैल्यू। और ये चीज जरूर बताना चाहूंगा आपको, एर माइनस वन का मतलब क्या है। देखो हमारा पाइथन कहता है कि आपका इंडेक्स लोकेशन 0 1 2 3 4 5 ऐसे भी हो गया। एक बात और ये कहता है कि सभी जो लास्ट लोकेशन है ना, इसको पाइथन माइनस वन इंडेक्स लोकेशन भी देता है। सेकंड लास्ट की लोकेशन क्या देगा, -2 -3 -4 -5, ऐसे भी हो सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, लास्ट लोकेशन को आपको अगर लेंथ पता है तो आप एर लेन एर माइनस वन कर दो, लेन एर से लेंथ आएगी, माइनस वन से लास्ट मेमोरी लोकेशन आ जाएगी, ठीक है। और अगर पता है तो आप एर फोर से लिखो, और एर माइनस वन लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि लास्ट लोकेशन को पैथन माइनस वन इंडेक्स लोकेशन बोलता है, सेकंड लास्ट को -2 देता है, और ऑब्वियसली ऐसे करता करता जाता है।